नमस्कार प्यारे साथियों, एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहाँ दोस्तों एक लड़की की शादी एक लड़के के साथ होती है। बता देखिए, जब शादी हो जाती है तो सुहागरात मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पति की जगह उसके ससुर ने उसके साथ सुहागरात मनाई। तो जब ये मामला उजागर हुआ तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। ये पहली घटना बता देखिए मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही ससुर और सास पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उसका पति विदेश चला गया था, ससुर की उस पर पहले से ही गंदी नजर थी। वहीं पति के जाते ही ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब बहू ने इस बारे में अपनी सास को बताया तो उसने मदद करने की बजाय उसे ही धमकी दे डाली। यानी कि एक जो लड़की है अपने माँ बाप को छोड़कर, यानी कि पति के घर आती है, और जब माँ बाप को छोड़कर आती है तो सब कुछ दोस्तों अपने पति को मानती है, लेकिन दोस्तों पति के अलावा उसके जो सास ससुर हैं उन्हें भी अपने माँ बाप मानती है। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जिनके चक्कर में इस दुनिया में कुछ लड़कियों की ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, जैसे कि ये लड़की। बता दें कि जब ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया तो उसने उसकी जानकारी अपनी सास को दी, तो सास ने भी दोस्तों उसकी नहीं सुनी, बल्कि उस बहू को ही धमकाया था और डराया था। सास ने कहा कि घर में रहना है तो सभी को खुश रखना पड़ेगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विवाहित के होश उड़ गए थे। पता नहीं कि यही महिला नहीं, कोई भी महिला हो अगर सास ऐसी बात कहें तो हर महिला अचंभित हो जाती है। वो फिर अपने मायके चली गई, उसने माता पिता को पूरी आप बीती सुनाई थी। फिर थाने जाकर ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। मामला कोलार थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसकी उम्र 24 साल है। कुछ समय पहले ही उसकी शादी कोलार में रहने वाले दिनेश के साथ हुई थी। दिनेश विदेश में नौकरी करता है। शादी के बाद वो वापस विदेश चला गया। विवाहिता ने बताया कि उसके ससुर सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। शादी के बाद से उनकी उस पर गंदी नज़र थी। पहले तो उसने ससुर की हरकतों को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन जब वो डिनर करके अपने कमरे में घुसी तो ससुर उसके बेड पर आकर बैठ गया था। सोच सकते हैं कितनी घिनौनी ये हरकत है। और जो ससुर है वो एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी है। उसके बाद गंदी हरकत करने लगा। जब उसने ससुर का विरोध किया तो उसने बहू का दोस्तों दुष्कर्म कर डाला था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बहू ने बताया है कि अगले दिन उसने पूरी बात अपनी सास को बताई। सास ने उल्टा उसे ही धमकी दे डाली थी, कहने लगी कि इस घर में रहना है तो सभी को खुश रखना होगा, अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विवाहिता सास की बातें सुनकर डर गई थी। फिर किसी बहाने वो ससुराल से बाहर निकलकर सीधे अपने मायके पहुंची और रोते बिलखते हुए अपनी पूरी आप बीती अपने माँ बाप को सुनाई थी। जब ये घटना माँ बाप ने सुनी तो उनके भी होश उड़ गए थे कि आखिर हमारी जो बच्ची है, हमारी बेटी है, ये क्या कह रही है। परिवार सहित वो नजदीकी थाने पहुंची। यहाँ उसकी बातें सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। मामला कोलार थाना क्षेत्र का था, इसलिए पुलिस ने इसे वहां ट्रांसफर कर दिया। अब कोलार पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर महिला के ससुर और सास के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल महिला का मेडिकल कराया जा रहा है।
यानी कि फिलहाल महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। अगर जो बातें महिला ने बताई हैं अगर वो सच साबित होती हैं तो सास ससुर के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। ये बेहद घिनौनी हरकत और बेहद हैरान करने वाली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। तो बेहद हैरान करने वाली ये खबर है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।